Yeah, thank you, Navika. Good evening, and good evening to my fellow panelists. First of all, before I come to the thrust of the topic, Navika, I need to compliment you, not for the first time, but this time a special compliment because you have brought on the debate the SP spokesperson, Dr. Saab, Dr. Verma, and I'm not being patronizing to anyone. I've got many friends, including one on your panel, but in the last 6 years, I have not seen a more erudite, a more factual spokesperson from any opposition party than Dr. Verma. So my compliments on bringing him. You have raised the level of the debate. Before the rebuttal that Dr. Verma gave to Sudhanshu ji in his opening remarks, I'm only concentrating on that because baad wale mein baad mein aunga. Opening remarks, Dr. Saab gave five facts. They are absolutely factual. They killed the debate. So even though I'm complimenting you, I'm gently castigating you as well ki itne फैक्चुअल स्पीकर्स मत लाएं कि डिबेट ही खत्म हो जाए। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं दो चीजें। ऑफ कोर्स रिबटल में वो थोड़े से हिपोक्रिटिकल हो गए डॉक्टर वर्मा, बट ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं तो वो ठीक है। बट द फर्स्ट ओपनिंग रिमार्क्स वर एब्सोल्युटली सेंसेशनल एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू एंड टू डॉक्टर वर्मा। नाउ लेट मी वेरी क्विकली से व्हाट आई वांट टू से। यू सी, हम पार्टीज की हिपोक्रेसी एक्सपोज करते रहेंगे नाविका, बट थिंग्स वुड नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आज राहुल गांधी और सारे कांग्रेसीज ये लाल किताब कॉन्स्टिट्यूशन की फैला रहे हैं, ब्रैंडिश कर रहे हैं। आज ही के दिन इन्होंने इस किताब को फाड़ा था। एक कांग्रेस लीडर नहीं है जो कहे कि आई कंडेम इंदिरा गांधी फॉर ब्रिंगिंग इन द इमरजेंसी। एक ऐसा लीडर नहीं है। और यही नहीं कि इमरजेंसी लाके कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ा है। पिछले 15 सालों में जब राहुल गांधी के पास पावर थी, रियल और मेटाफोरिकल, तब देर आर 75 इंस्टेंसेस ऑफ ब्लेटेंट मिसयूज एंड स्टॉम्पिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड डिसमेंटलिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बल्कि पिछले वीक किसी ने, यूट्यूबर ने, ये कांग्रेस मैन ने कोट किया किसी और कांग्रेस मैन को, उस पे गलत मान के उस पे एफआईआर किया और कर्नाटका से पुलिस आई उसको अरेस्ट करने। ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ये बचा रहे हैं। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस द हिपोक्रेसी। आई वॉन्ट टू स्टिक टू वॉट डॉक्टर आशुतोष वर्मा सेड इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स। And he's absolutely right. Yes, the Congress is being hypocritical, but let them be. वो उनका काम ही वो है तो है ही, हिपोक्रेसी बर्थ लिया उन्होंने। The fact that they are saying we are going to have a voting first time for a speaker is ridiculous, and it tells you for the next 5 years the situation is going to be dire in Parliament. But I want to ask Sudhanshu ji, जो उन्होंने ये बात सवाल का जवाब नहीं दिया वर्मा जी का, कि 2009 to 2014 और 2004 टू 2009 में कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी तो डेप्यूटी स्पीकर बीजेपी का था और शिरोमणि अकाली दल ऑपोजिशन पार्टी का था। आपने भी यही किया था। 2019 के बाद सुधांशु जी, आपने डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी का एक क्यों नहीं रखा? और अभी सीधे कह दीजिए रखना चाहते हैं, सारी डिबेट खत्म हो जाएगी। यू नीड टू ऑल्सो एक्सप्लेन दिस सर।